हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। इस वाले सेशन में जो एमएससी का सिलेबस है उसमें हम एमएससी जूलॉजी आईजीयू एमडीयू के लिए सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड के अंदर जो इम्यूनोलॉजी वाला पेपर है हम वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं पूरा कवर अप कर पाऊँ। एक बार थोड़े से सिलेबस का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें पूरे सेशन में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, चार यूनिट रहेंगी हमारे पास। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर चीज़ें रहेंगी फाइलोजेनी ऑफ इम्यून सिस्टम और देन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आफ्टर इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लोनल नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हमें पढ़ना है। देन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मेनली इसमें जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है हमें उसकी बात करनी है, बट उसके साथ प्राइमरी की भी बात करेंगे। तो मेन हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। देन हमें एंटीबॉडी और एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनकी बायोलॉजी, वो कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में कवर अप करनी है। देन वी कम टू यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर हमारे जो मेन मेन टॉपिक हैं वो है MHC, जो मेज़र हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में बात करनी है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर, और जो ये डाइवर्सिटी है रिसेप्टर्स की उसके बारे में हमें बात करना है। देन जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, तीन तरीके के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और एक और है, उनके बारे में हमें बात करनी है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी सेल्स हैं हमें उनके बारे में एक एक करके बात करनी है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल है, इसनोफिल है, बेसोफिल है, मास्ट सेल और लिम्फोकाइंस, किलर, नेचुरल किलर सेल, बी सेल्स, टी सेल्स, हेमेटोपोइसिस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देन वी कम टू यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर साइटोकाइंस एंड देयर रोल इन इम्यून रेगुलेशन, टी सेल रेगुलेशन, एमएससी रेस्ट्रिक्शन, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ टी सेल, एनके सेल मीडिएटेड लाइसिस, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मैक्रोफेज मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, जो टाइप 1, 2, 3, 4 हाइपर सेंसिटिविटी है हमें उनके बारे में बात करनी है। देन हम लास्ट में पढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में, जिसके अंदर हमें ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, देन जो इन्फेक्शियस एजेंट है जैसे कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, हेलमिंथ है, वायरस हैं, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी पढ़नी है, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करनी है, देन एड्स एंड अदर इम्यूनोडेफिशिएंसी, देन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करनी है। जो ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ये एक ही टॉपिक है और ये काफ़ी आसान और नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो ये कंप्लीट जो ये सिलेबस है इम्यूनोलॉजी का, ये हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो ये सिलेबस है ये एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए है और आईजीयू यूनिवर्सिटी के लिए, ये दो यूनिवर्सिटी के लिए हमारा सिलेबस रहेगा, मेनली ये आईजीयू के लिए। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, ये पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगी। और नोट्स, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि नोट्स जो भी पढ़ाया जाए उसे आप अपने नोट्स की फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ऐसे प्लीज़ टेक्स्ट मतलब कमेंट ना करें कि मैम प्लीज़ नोट्स दे दीजिए, आपने कहाँ से पढ़ा वो सोर्स बता दीजिए। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, उन्हें समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।